नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितपाल और आप देख रहे पालो टेक मैकेनिकल मोबाइल। दोस्तों देखिए, यहां पे साइन ST BS6 गाड़ी आया है हमारे पास एक। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यहां पे इग्निशन ऑन करते हैं ना, तब उसके बाद ये वाला जो फ्यूज है, इधर आओ, ये वाला जो फ्यूज है, ये वाला देखिए, ये वाला फ्यूज, मेन फ्यूज जो है, ये पूरा कट जाता है। तो हमने जब इसके रिले तो अभी निकाल दिए, क्योंकि रिले जब लगाते हैं तो ये अपने आप डायरेक्ट होके फ्यूज कट जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। देखिए ये वाला चाबी ऑन किया हमने अभी। ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं स्पार्क करता हूँ, थोड़ा रुकिए, यहाँ पे मैं स्पार्क करता हूँ तो कैसे स्पार्किंग होता है देखिए, मतलब इतना जोर स्पार्किंग हो रहा है, मतलब जला दे रहा है। ये रिले हमने निकाल के रखा है इसीलिए, क्योंकि जब हम अगर रिले लगाते हैं तो ये मेन फ्यूज कर देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो चेक करेंगे दोस्तों इसका इश्यू को, इश्यू बराबर काम करता है या नहीं। तो पहले चलती है, देखिए दोस्तों ये वाला इश्यू खराब हो सकता है, हमें डाउट हुआ है इसीलिए हमने अभी इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का सहारा लेंगे, और मल्टीमीटर के सहारे से हम पहले चेक करेंगे क्या, और थोड़ा तो पहले इसको हम खोल लेते हैं दोस्तों। इसको खोल के दोस्तों इसका जो ग्राउंड लेवल है, जो पहला जो इनपुट करंट है, इसको पहले हम चेक करते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो पहले ये प्लास्टिक को भी निकाल लेते हैं। देखिए ये इसको चेक करने के लिए यहाँ पे इसका ऊपर का जो प्लास्टिक है, इसको भी निकालना जरूरी होता है। अरे रुके, ये वाला प्लास्टिक निकाल दिए। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वाला जो वायर आपको दिख रही है, ये जो ब्लैक में व्हाइट है, आप सोच रहे होंगे ये ग्राउंड का वो वायर है, लेकिन ये वाला नहीं है। इसमें असली करंट होता है, जो इनपुट करंट होता है। इनपुट मतलब यहाँ पे आता है, इसके बाद आउटपुट निकलता है। तो पहले हम इनपुट करंट को चेक करेंगे, इनपुट करंट कैसा है, कहीं शॉर्टवर्ट तो नहीं हो गया है। देखिए ये कितने नंबर पे है दिखाता है, 1 2 3 4 चार नंबर होल पे, 2 3 4 चार नंबर होल पे हमने किए। उसके बाद बॉडी में कहीं ग्राउंड दे देते हैं। तो देखिए ये इनपुट करंट नहीं आ रहा है, मतलब जीरो दिखा रहा है ये। अभी हम कंटिन्यूटी पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कंटिन्यूटी पे क्या आता है। नहीं, कंटिन्यूटी पे भी कुछ भी नहीं आता है। तो दोस्तों ये इनपुट भी करंट नहीं आ रहा है, तो अभी इसको ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम, इधर देखिए, इधर एक भाई ये मशीन नहीं। यहाँ पे जो हमने कनेक्शन निकाले थे, पहले इसको पुश कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्यूल पंप में एक कनेक्शन होता है, देखिए ये वाला, इसका 3 पिन निकलता है। देखिए 1 2 3, ये 3 वाला पिन निकलता है। इसको भी हम 20 एम्पियर पे लेके, यहाँ पे 20 नंबर एम्पियर पे लेके, उसको पहले इसको जीरो कर लेते हैं। चलिए मीटर 20 एम्पियर पे लेके इसको हम देखेंगे। ये जो तीनों तीनों वायर है, इसमें 2.5 एम्पियर करके करंट आना चाहिए, इसके हर एक कनेक्शन में 2.5 एम्पियर करंट आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये खराब है। देखिए ये जीरो कुछ काम नहीं करता, मतलब नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और देखिए ये वाला भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरीका है, आप और भी जो कनेक्शन है, ऐसे भी इश्यू में बहुत सारे करंट जाता है, और सारे के सारे कनेक्शन को से कुछ ना कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो हमें अभी पता चला कि इसका जो इनपुट है करंट का, वो नहीं दे रहा है, आउटपुट भी नहीं दे रहा है, और आउटपुट नहीं दे रहा है तो यहाँ पे भी करंट नहीं दिखा रहा है, इसीलिए इसको बदलना जरूरी है। ये खराब हो गया है पूरी तरह से, अभी हम इसको पूरी तरह से रिप्लेस करने वाले हैं दोस्तों।
तो इसका जो प्राइस आता है, मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ। देखिए इसको निकाल दिया, ये वाला नया ईसीयू है। इसका प्राइस आता है इंजन कंट्रोल यूनिट ईसीयू, इसका प्राइस आता है 5714 रुपया। ये होंडा का जेन्युइन स्पेयर है। तो अभी इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये वाला इधर, ये वाला इधर, और इसका जो पीछे का प्लास्टिक है उसको लगा लेते हैं। तो देखिए अभी ये इश्यू को हमने यहाँ पे फिटिंग कर दिया। तो इधर आइए, केबल लेके ट्राई करते, देखिए देखिए और स्पार्क नहीं हो रहा, मतलब ये सही है। अभी इसके बाद इसका अभी रिले लगाएंगे। पहले जब रिले लगाते हैं फ्यूज को बार बार काट देता था, अब इसको नीचे थैंक यू वॉचिंग। इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।